सो हाय चारू, वेलकम ऑन सिनेमा स्पीक्स। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। एक्चुअली मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, इस समय तो आप अपने कैरेक्टर में हैं। जी हाँ, मैं चारू में नहीं, सीबी में हूँ आज। चतुर्भुज जो कि चारू का एक नया अंदाज है, नया रूप है, तो हम उसमें बात करते हैं। जी हाँ, मैं चतुर्भुज। तो थोड़ा सा बताइए अपने इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा, क्योंकि जिन्होंने नहीं देखा वो एटलीस्ट समझ जाएंगे। जी हाँ, जो जैसे कि आप जानते हैं, दुर्गा और चारू जो हमारा शो है उसके अंदर दुर्गा और चारू बिछड़ गए थे और अब वो दोनों मिल चुके हैं। बट चारू दुर्गा के साथ अपने असली रूप में नहीं रह सकती क्योंकि घर वाले अब चारू को रहने नहीं देंगे, और किसी ने भी देख लिया तो वो सीधा पुलिस को फ़ोन कर देंगे और चारू पकड़ी जाएगी। बिकॉज चारू भागी नहीं है, बट एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंटली ही वो दुर्गा के पास पहुंच गई। तो अब उसके ऊपर जो झूठे आरोप लगे हैं वो उन्हें उनके जो अपने आप को बेकसूर साबित कर जाना चाहती है जेल, कि अगर मैं जाऊंगी भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं अपने ऊपर ये झूठा आरोप लेकर नहीं जाऊंगी। तो उन्हें झूठा साबित करने के लिए चारू को दुर्गा के साथ रहने की ज़रूरत है, और दुर्गा के साथ रहने के लिए उसने एक नया रूप लिया है जो कि उसे दुर्गा ने दिया है। आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। हमने सुना है आपकी जो छोटी बहन झुमकी, उनको कुछ भूत भूत दिख रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा। जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं है शो में, भूत भूत का कुछ नहीं आया, बट हाँ ये है चारू आई है। और चुमकी और भोली के लिए तो चारू भूत से कम नहीं है। चारू जो है उन्हें डरा रही है, चारू उन्हें परेशान कर रही है कि चारू दिख नहीं रही है और पीछे से वार कर रही है उन लोगों के ऊपर, उन्हें परेशान कर रही है। कुछ ना कुछ ऐसा करती है, ऐसा करके गायब हो जाती है, तो उन्हें लगता है घर में कोई भूत भूत आ गया है। तो ऐसा कुछ ट्रैक चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कॉमेडी सीन्स आने वाले हैं। थोड़ा सा अगर मैं पूछना चाहूँ कि कैसे आपको इस सीरियल में ब्रेक मिला, तो अगर थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में, ये जो फैंस है वो जानना चाहेंगे। जी हाँ, इस शो में जब मैं आई लॉकडाउन के बाद से, उसके बाद जो शोज़ मैंने किए उसके बाद फिर से एक बार ऐसा आया था कि मतलब कोविड्स के बाद ना, यू नो, बहुत आपको बहुत सारी सीमाओं में काम करना पड़ रहा था कि आप इतने से ज़्यादा शिफ्ट में काम नहीं कर सकते, आप ऐसे काम नहीं कर सकते, आप ऐसे। तो जब वो सब हुआ उसके बाद जब मैंने ये शो पकड़ा तब भी था ये सब, बट उस टाइम पे भी ये था। बट हमने जब ये शो पकड़ा तब ऐसा था कि हम कहीं रिवील नहीं कर सकते थे कि हम शो कर रहे हैं, और 2 महीने हम लोगों ने ऐसे ही निकाले हैं, जो कि हम लोग के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। बिकॉज आजकल हम लोग इतने ज़्यादा वो हो गए हैं अपने फैंस के साथ हर चीज़ शेयर करना, मतलब इंस्टाग्राम स्टोरीज डालना, इतनी सारी चीज़ें हैं इंस्टाग्राम पे, रील्स बनाना, मस्ती करना, लोगों को कॉल करके बताना देखो मैं नया शो कर रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, तो वो चीज़ हम नहीं कर पा रहे थे। हम लोग पिक्चर्स क्लिक करते थे, यू नो, हमने 2 महीने में कम से कम 200+ पिक्चर्स क्लिक की होंगी, बट वो फ़ोन में ही सेव है, हम कहीं पोस्ट नहीं कर सकते। एंड आफ्टर दैट सम ब्रेक आप उस वो पोस्ट करना भूल जाते हो। तो जब वो चल रहा था हम किसी को बता नहीं पा रहे थे, वो एक कठिन समय था। उसके बाद बीच में हम लोग का बैंक बन गया था एपिसोड्स का, तो हम लोग को ब्रेक मिला था, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा कठिन समय था। बिकॉज एक हैबिट हो जाती है सबकी, सबसे मिलना डेली, यानी कि जब जैसे कि शो बंद होता है या फिर आपका कुछ ट्रैक खत्म होता है तो वो एक वो फीलिंग आती है ना कि यार क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, रोते आप, वैसे ही हो रहा था घर पे, एकदम ब्रेक मिला था, हम किसी से मिल नहीं पा रहे थे, हम एक्टर्स वीडियो कॉल करते थे एक दूसरे को कि प्लीज़ मिल लेते हैं यार, ऐसे मिल लेते हैं, तो वो बहुत कठिन समय था। आपकी ऑन स्क्रीन मॉम भोली, मम्मी जो है, उनके बारे में क्या बताएंगे कि कैसे आपकी बॉन्डिंग है उनके साथ और अभी उनके साथ? मेरी सबके साथ ही बॉन्डिंग अच्छी है, प्रीति मैम के साथ, यानी कि प्रीति मैम यानी कि भोली, उनका असली नाम प्रीति है, तो उनके साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। ओके, और इस में औरा जो है, औरा के साथ आपकी, हमने सुना काफ़ी मस्तियाँ चलती हैं सेट पे, तो अभी रिसेंटली कोई प्रैंक वगैरह आपने औरा के साथ किया? जी हाँ, प्रैंक्स तो नहीं, बट हाँ हम लोग फाइट बहुत करते हैं। एक बहनों की फाइट होती है ना, कैट फाइट, तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, नहीं तूने किया, नहीं तूने किया, तू मिल बाद में बताती हूँ, तो वो बहुत होता है औरा के साथ मेरा। एंड शी इज़ लाइक माय क्यूटेस्ट सिस्टर एंड बहुत प्यारी है, एंड आई लव हर। आप अभी कौन से स्टैंडर्ड में हो? मैं अभी 6th स्टैंडर्ड में हूँ। दोनों एक सेम स्टैंडर्ड में? जी हाँ, एक्चुअली मैं, हम दोनों सेम स्टैंडर्ड में हैं, बट हम लोग स्कूल नहीं लेते हैं, हम लोग होम क्लासेस लेते हैं। अच्छा। स्कूलिंग में नहीं है तो वो ऑनलाइन क्लासेस। कैसे डिफिकल्ट होता है थोड़ा? इट्स नॉट डिफिकल्ट, बिल्कुल मैनेज हो जाता है, बिकॉज हमारी प्रोडक्शन भी एडजस्ट करती है और हमारे जो टीचर्स हैं वो भी एडजस्ट करते हैं। आपने अपनी ऑन स्क्रीन मम्मी के बारे में तो बताया, भोली के बारे में, आपकी
जो मॉम है रियल आपके पास हमारे साथ में है, तो उनसे मिलवाइए हमें। जी हाँ, ये है मेरी मम्मा मिस सोनिया हंस, और ये जो है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, मेरी मम्मा भी हैं। कितना सपोर्ट करा करती हैं मम्मी आपको, सेट पे तो आपके साथ आती हैं और पढ़ाई भी आपको हेल्प करती हैं आई एम श्योर। यस यस ऑब्वियसली सब मम्मी का ही सपोर्ट है जो यहाँ तक आए हैं, और ऑब्वियसली मुझसे ज़्यादा स्ट्रगल मेरी मम्मा ने किया है मेरे लिए, जिसकी वजह से मुझे मैनेज करना, ऑब्वियसली सेट पे रहती हूँ मैं और मैं हूँ भी बहुत मस्ती खोर, तो मुझे मैनेज करना, मेरा ध्यान देना, आई थिंक मम्मा के आधे से ज़्यादा दिन तो इसी में निकलता है कि मैं ठीक हूँ या नहीं, तो यार शी सपोर्ट्स मी वेरी वेल। बस मैं इतने कहना चाहूँगी कि माता रानी ब्लेसिंग रखे बच्ची पे, वैष्णवी पे और मेरे शो पे। जी हाँ, बस इतना ही कहना चाहूँगी, देखते रहिए हमारा शो दुर्गा और चारू, जो कि आता है ठीक 8:30 बजे कलर्स पर सोमवार से शुक्रवार, और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वी लव यू। जय माता दी।